हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ, भेलपूरी की रेसिपी। तो मैं इस रेसिपी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स नज़र आते हैं। फर्स्ट तो ये है कि बैठे बैठे कुछ भी खाने का मन हो तो इंस्टेंट ये बन जाती है, और सेकेंड ये कि आपको काफ़ी देर तक ये फुल रखती है क्योंकि काफ़ी हेल्दी है, और थर्ड ये है कि ये बिल्कुल वेट गेन नहीं होने देता क्योंकि ना ही इसमें ऑयल है और ना ही शुगर। ये मैंने लिया है मुरमुरा, इसे लाई भी बोलते हैं, और ये कुछ वेजीज हैं, ये स्प्राउट्स हैं मूंग और चने के, और ये एक प्याज है और एक टमाटर, और एक हरा मिर्च है बारीक कटा हुआ, और ये कुछ रोस्टेड पीनट्स। तो चलिए इन्हें एक साथ मिक्स कर दिया जाए। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा लेमन। तो ये प्रोसेस आप थोड़ा जल्दी करिए, नहीं तो ये जो मुरमुरे हैं ना ये बिल्कुल चुरमुरे नहीं बचने वाले, आई मीन इनका क्रंच सारा ख़त्म हो जाना, सॉफ्ट हो जाएगी। और ये मैं थोड़ा सा ब्लैक साल्ट ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद ये कुछ आम की कलियों से और गुड़ से बनी हुई खट्टी मीठी सी चटनी है, वो भी मैं 1 से 2 स्पून ऐड कर दूँगी। और उसके बाद फटाक से इसे मिक्स कर देना है अच्छे से। तो ये देखिए मुरमुरा मिक्स हो चुका है। अभी 2 इंग्रेडिएंट और हैं जो मैं आगे ऐड करने वाली हूँ, बट उससे पहले मैंने सर्व किया है मेरे हस्बैंड के लिए और मैंने अपने लिए भी। तो चलिए ऊपर से 1 इंग्रेडिएंट ये भुजिया नमकीन भी ऐड कर दिया जाए गार्निशिंग के लिए, और थोड़े से काजू भी मैं ऐड करूँगी इसमें। अगर आप भी बनाना ट्राई कर रहे हैं और आपके पास 1-2 कम वेजीज हैं तो आप ऐसे ही बनाइए, मस्त सी बनेगी। और अगर आपके पास वो खट्टी मीठी सी चटनी नहीं है तो आप उसकी जगह टोमेटो केचप का यूज करिए, उससे भी लगभग सेम ही फ्लेवर आता है और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।